लोकसभा चुनावों के चलते चुनावी जनसभाएं और रैलियां लगातार जारी हैं। रैलियां, नेताओं के भाषण तो चर्चा का विषय बने हुए हैं, लेकिन कुछ ऐसे भी वीडियो चुनावी सभाओं में आ रहे हैं जिनसे कहीं ना कहीं सियासी सरगर्मियां तेज हो गई हैं। ऐसा ही एक वीडियो आया हनुमान बेनीवाल की एक चुनावी रैली से। सबसे पहले आप इस वीडियो को देखिए। वीडियो ऑडियो सुन रहे हो आप लोग? दरअसल नागौर लोकसभा सीट से कांग्रेस और आरएलपी के संयुक्त उम्मीदवार हनुमान बेनीवाल फिरोद गांव में देर रात अपने विधानसभा क्षेत्र में चुनावी सभा को संबोधित कर रहे थे। जैसे ही हनुमान बेनीवाल ने अपना संबोधन शुरू किया और कहने लगे, आप लोगों को पता है कि आजकल कैसे कैसे वीडियो सामने आ रहे हैं। इतने में मंच के आगे खड़ा एक बुजुर्ग भड़क उठा। वो कहने लगा कि आप ही इनके तलवे चाटो और चाटते रहो। उनके घर पर 20-20 बार चक्कर काटे, फिर भी नहीं हुई सुनवाई। 20 बार तेरे घर गया था, तेरे आगे हाथ जोड़े थे, लेकिन एक भी तूने नहीं सुनी थी। ऐसा कहते ही बवाल शुरू हो गया। आखिरकार हनुमान बेनीवाल को अपना संबोधन रोकना ही पड़ा। इतने में सुरक्षा में लगे पुलिसकर्मी उसे पकड़कर अपने साथ ले गए। अब ये वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है।